हाल ही में हमने आपको एक खबर दी थी कि तेजस्विनी प्रकाश खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड की का हिस्सा नहीं बनने वाली है। जी हाँ, रोहित शेट्टी का ही नया सीजन आ रहा है खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड का, जिसमें तेजस्विनी प्रकाश नहीं नजर आएंगी। ये बात सुनके कई सारे फैंस बहुत नाराज भी हो गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के अभी पिछले जो सीजन चल रहा है इसमें तेजस्विनी ने सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट थी, सबसे मज़ेदार कंटेस्टेंट थी। उनकी और रोहित की जो केमिस्ट्री थी, जो उनके जोक्स होते थे, उस सीन को देखने के लिए दर्शक हमेशा रुक जाते थे। लेकिन तेजस्विनी आखिर ये रोहित के साथ आगे काम नहीं करना चाहती या खतरों के उन सब स्टंट से बहुत डर रही है, सच्चाई क्या? आज तेजस्विनी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पिक डाली है और सच बताया है कि वो क्यों रोहित शेट्टी का अपकमिंग शो खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड नहीं करना चाहती। दरअसल खतरों के खिलाड़ी का सीजन करते समय उनकी एक स्विमिंग का एक स्टंट था और उसमें उनकी आंख में चोट लग गई थी। अगर आप देख सकते हैं वो पिक, तो उनकी एक आंख पूरी तरह से लाल है, जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई है। ऐसे में तेजस्वी ने कहा कि उन्हें इस वक्त उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, चूँकि उनको कई बार उसमें पेन भी हो रहा है। ऐसे में वो इस शो को नहीं करना चाहती, इस शो का हिस्सा अभी नहीं बनना चाहती। उनके ना करने के पीछे लोगों ने बहुत सारे बातें उठा ली थी कि वो क्यों ये शो को नहीं करना चाहती, कोई नया शो ज्वाइन कर रही है, कुछ अलग तरह का करना चाहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्विनी ने साफ साफ कहा है कि खतरों के खिलाड़ी शो करके बहुत खुश थी रोहित शेट्टी के साथ, और जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके साथ उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन रीलोडेड वो इसीलिए नहीं, खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड वो इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी आँख इंजर्ड है और इस वक्त उसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तेजस्वी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनकी ये उनका ये जो आई इंजरी है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द ही हम उन्हें किसी नए शो में देखें।